यार फ्लाइट तो डिले, इसका मतलब क्योंकि 10 बजे का था टाइम, बट अभी तक बोर्डिंग ही चल रही है। तो अभी तक बोर्डिंग ही चल रही है, तो एक बात याद रखे, एयर सुविधा फॉर्म अपने पास रखे ही रखे, और कोविड की रिपोर्ट, उससे पहले ये अंदर भी नहीं घुसने देंगे। बिकॉज अभी एक जन था, वो व्हीलचेयर पे थे, उनको वापस भेज दिया था उन्होंने, तो वो फॉर्म वगैरह प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आए, तो फिर उनको अभी आगे लेकर गए। तो प्रिंट आउट रखे यार, जो लोग बोलते ना कि फ़ोन पर दिखा दो, ये कर लो, नहीं यार, इन्हें ना हार्ड कॉपी ही चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होता। अभी पता नहीं यार, जल्दी जल्दी करो यार, आगे का भी बुकिंग करी हुई है कोविड की भी, वो स्लॉट बुक करी हुई थी राइट, वो टाइमिंग ली हुई है उनसे, बाद में वो भी बुरशट करेंगे क्या यार, ये बुरशट ही होती रहती है। शुड बी फ्लाइट लेट है। ओके जी, ये खाना था आज का, अच्छा था। और ये हमें पूरी सीट हमारी है, इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। ये टीवी, ये मैप, ये सब सही है यार। अभी मजा आया बिकॉज ये सीट खाली है। अभी यहाँ पर मैं लेट के जाऊंगा, कल आ गया यार, 2-3 घंटे की फ्लाइट है, ऑलरेडी 1 आवर फ्लाइट लेट है। प्रॉब्लम ये है, अब जो मैंने इंडिया में दिल्ली में कोविड का टेस्ट बुक किया हुआ है राइट, उसका टाइम था 3 से 4 बजे का, और फ्लाइट मेरी पहुंच रही है 4:15। अब वो लोग खिच खिच ना करें यार, पहले बड़ा दिमाग खराब है। ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, किसी को पता हो तो पता। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेट के जाने में, ये सही है यार, मतलब जीवन सफल हो गया, टिकट के पैसे पूरे हो गए मेरे। दिल्ली का ड्यूटी फ्री, ये आ गई लगेज डिपार्टमेंट। लगेज डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, मुझे तो बैग भी याद नहीं मेरा कौन सा था, बैग भी याद नहीं है कौन सा था यार, बुरशट है। कोरोना टेस्ट बताता हूँ बाद में क्या क्या आज हुआ है। पहले यार लगेज वगैरह उठा के यहाँ से बाहर निकलो, फिर तो उसके बाद बयान हाल बताता हूँ दिल का, क्या क्या हुआ आज हमारे साथ। बैग कहाँ है यार, ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के हाल कैसे हैं यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा दिखाने में। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के हाल, काफ़ी कुछ नहीं बदला, कोई साड़ी सोशल डिस्टेंस नहीं है, ऐसे ड्रामा लगा रखे हैं उन्होंने। कोरोना टेस्ट जहाँ करवाया वहाँ पर तो मतलब लोग ऐसे थे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, सारे के सारे सारे चुमड़े हुए एक दूसरे के साथ, वो गाली नहीं देनी, मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है सारी। ये है इंडिया का कोरोना का प्रोटोकॉल, ठीक है जी। एग्जिट पे जाके इनके बैगेज चेक हो रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी बुरशट अगर बोलूँगा इस चीज़ को बोलूँगा। ओके, एयरपोर्ट पर क्या हुआ, बुरशट है यार, बहुत बड़ी वाली बुरशट है। कोरोना वही सही बात है यार, जब 500 केसेस थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया, जब 50,000 केस पहुंचे तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से क्या है, क्या मसला क्या है इन लोगों का। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है यार, इंडियन पासपोर्ट जो बंदे भाई बहन आ रहे हैं ठीक है, उनके साथ बुरशट है। मेरे से पूछा पासपोर्ट, मैंने जस्ट पासपोर्ट दिखाया, जब मैंने फ्रंट देखा कि किसी और कंट्री का है, तो ऐसे खोला तक नहीं यार, कि मेरी शक्ल ही मिला के देख ली, मैं सेम ही हूँ कि डिफरेंट हूँ कुछ, मतलब इतनी कि पार्शियलिटी है ना, मतलब कोई आ जाए ऐसा बंदा इनके हाथ में जिनको कुछ नॉलेज ना हो चीज़ के बारे में,
उसके साथ तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। चोर बेचारी नहीं हटने वाली यार, मतलब जहाँ तो सभी के साथ एक जैसा रूल रखो, सभी का पासपोर्ट चेक हो रहा है तो सभी का होगा, चाहे कोई फॉरनर है चाहे कोई इंडियन है। ये नहीं है कि इंडियन आए तो इंडियन का पासपोर्ट चेक होगा, फॉरनर है उनके पासपोर्ट चेक नहीं करना, बुलशिट बोलता हूँ इसको मैं। बाकी बताऊँगा यार बाद में क्या बुलशिट है, क्या सच्ची में यहाँ पर क्या चीज़ की। मेरे फ्रेंड मेरे को लेने आए थे, ठीक है, ये है डिपार्चर, और मैं नीचे था अराइवल पे, और इन लोगों ने मेरे को अराइवल से ऊपर बुलाया, और लोग देख रहे हैं कि शायद ये लड़का लड़कर जा रहा है, वापसी जा रहा है, मतलब प्लेन में नहीं जा रहा, और दो महान हस्तियों से मिलाता हूँ आज। सारा ड्रामा लोग भी देख रहे हैं यार, इसको क्या हो गया, ये उधर से लोग जा रहे हैं राइट, जाने वाले होते हैं वहाँ से, तो मैं उधर से बाहर आ रहा हूँ, तो मैं भी ड्रामा करने में शेर हूँ कि मैंने नहीं जाना, तू मुझे धोखा दे रही है, तू मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लेगी ना, ऐसी ऐसी वर्डिंग बोली है मजाक में। वो खड़ा है एक महान, एक ये महान जा रहा है और एक वो महान खड़ा है, तो को इन सालों के जरा करने दो दोनों की। ये मेरा भारत महान, दो बेईमान, दोनों बेईमान। जी जी, वैसे तो मैं अजमेर पहुंच गया हूँ, अच्छी जर्नी रही है। वहाँ से जब फ्लाइट पहुँची है दिल्ली राइट, उसका मैं प्लान कर दूँ, कुछ रह गया था बीच में। जब फ्लाइट पहुँची है दिल्ली, उसके बाद यार कुछ नहीं, बाहर आए आपकी कोविड की रिपोर्ट नहीं देखी जा रही यहाँ पे इंडिया पहुँचकर। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो सेल्फ के रिपोर्टिंग का फॉर्म है, जो न्यू दिल्ली airport.in पे हमें करनी पड़ती है राइट, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, वो देखते बहुत ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात, कोविड की प्री बुकिंग करवा के रखें अपनी दिल्ली वेबसाइट पर। प्री बुकिंग होगी तो आपको लाइन कम मिलेगी, अदरवाइज़ आपको लाइन बहुत लंबी मिल सकती है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 5 मिनट लगते हैं लाइन के लगने के बाद, जस्ट स्लिप देते हैं, टेस्ट करते हैं, राइड भी आपको भेज देते हैं, वहाँ कुछ वेट नहीं करनी पड़ती, कोई रुकना नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता रहा वहाँ पर, ठीक है। आपको ईमेल पे या फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कोविड का, फिलहाल मेरे को तो 12-13 घंटे हो चुके, अभी तक तो नहीं आया, आ ही जाएगा। बाकी ओवरऑल ठीक था, थोड़ी सी बुलशिट हुई है, बुलशिट इन द सेंस के यार थोड़े से, मतलब वीडियो में देखोगे आप ना, आगे जाके लग जाएगा पता आपको कि हुआ क्या है राइट। वो कल की रिकॉर्डिंग करी हुई है, आज उसको जब मैं पोस्ट करूँगा उसको साथ में लिंक कर दूँगा, देख लेना यार। मतलब कोविड, मुझे नहीं पता यार कैसा इनका सिस्टम है काम करने का, कोविड के केसेस फिर से इंक्रीस हो रहे हैं राइट, तो आप लोग लाइन अप क्यों कर रहे हो, लाइन अप भी ऐसे हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है यार, लोग ऐसे साथ साथ में खड़े जैसे रिश्तेदारी खड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे सिस्टम है ना, वो वाला सिस्टम है यार, बड़ा अजीब सा लगा चीज़ को तो यार। केस कम जाते हैं उसके बाद आप लोग ऐसे काम करने लगे, तो मेरे को यार 10 साल से ज़्यादा हो गए इंडिया आते जाते हुए, बैग उठाने के बाद मैंने कभी भी, तो सामान उठाने के बाद आज तक मैंने कभी लाइन अप नहीं देखा, वो एग्जिट से पहले वो लाइन अप ऐसे करके रखा हुआ है, आई डोंट नो ऐसा क्या है। कईयों को पूछ रहे आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है चलो वो हंस कर बात कर लेते तो चलो ठीक है चले जाओ राइट। मतलब अगर चेकिंग करनी है तो प्रॉपर तरीके से करो कि चेकिंग हो रही है, हमें भी लगे पता कि हाँ यार चेकिंग हुई है, सेंस नहीं है यार। बाकी वीडियो में देखें, मजे करें, आप भी देखें। बाकी हमारा सफ़र अच्छा रहा है जस्सी भाजी के साथ, काफ़ी इन्होंने मजे मजे किए, वो भी देखना ना आ गए आप, ठीक है चले मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।